अनिल कपूर का फेमस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 का फिनाले जल्द ही होने वाला है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वीकेंड का वार में शिवानी कुमारी को बिग बॉस ओटीटी के घर से बेघर कर दिया गया है। हालांकि बीते रात शो में विशाल पांडे का एविक्शन हुआ, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। वहीं अब रणवीर शोरे, सना मकबूल, नेजी, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, लवकेश कटारिया और साई केतन राव के बीच ट्रॉफी की जंग देखने को मिलेगी। हालांकि अब हर कोई यही जानने के लिए बेताब है कि आखिर बिग बॉस ओटीटी 3 में कौन सा कंटेस्टेंट जीत के ट्रॉफी अपने नाम करेगा। द खबरी के ट्वीट के मुताबिक बिग बॉस ओटीटी 3 के लिए मेकर्स की खास प्लानिंग है। शो में जल्द ही स्पेशल एविक्शन होने वाला है, जिसके बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ जाएंगे। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले में 2 कंटेस्टेंट्स के बीच ट्रॉफी की जंग होगी। मेकर्स नेजी और लव कटारिया को टॉप 2 कंटेस्टेंट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। द खबर की पोस्ट में लिखा गया है, अगर एलिमिनेशन दर्शकों के वोट के आधार पर किया जाता है तो फिनाले की रेस नेजी वर्सेस लव कटारिया के बीच होगी। इस रेस में नेजी लव कटारिया को पछाड़ देंगे। हालांकि मेरे अनुसार ये दोनों ही शो जीतने के लिए अयोग्य है। वहीं द खबरी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर बिग बॉस कुछ ट्विस्ट लाता है तो शो में पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर सना मकबूल विनर बन सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर सना मकबूल या फिर अरमान मलिक को शो का विनर बना सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, बिग बॉस ओटीटी 3 का अगला विनर कौन होने वाला है? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।